दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष एवं पूर्व निदेशक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में शोध पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्नातकोत्तर की कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को शोध हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में शोध संबंधी कार्यों को बढ़ावा मिले। शोध के विषय का चुनाव करते समय विद्यार्थियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता को समझाते हुए उन्होंने समझाया कि चुनाव से लेकर सिद्धांत निर्माण तक शोध के विविध चरणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। शोध प्ररचना, उपकल्पना निर्माण, समग्र का चयन, सूचनाओं के संकलन की प्रविधि, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के समुचित प्रयोग आदि विविध पक्षों पर सम्यक प्रकाश डाला। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग की प्रभारी प्रोफेसर विवेकानंद शुक्ला, विभागीय शिक्षक डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर सरिता सिंह, प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर इंद्रेश पांडे, डॉक्टर विवेक शाही, डॉक्टर निधि राय, डॉक्टर रुक्मणी चौधरी, डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा सहित समाजशास्त्र विभाग के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, लेकिन फिर भी मैं इस सभागार में अपने विभाग की तरफ से सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर इंद्रेश पांडे जी, डॉक्टर विवेक शाही जी, डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी जी, डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा जी, डॉक्टर निधि राय जी एवं अन्य सभी शिक्षक बंधुओं का इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे मीडिया के बंधु भी यहाँ आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में आप बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, बहुत हमारा सम्मान करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। साथ ही हमारे प्रिय विद्यार्थी जिनके बिना हम अधूरे हैं और जो बहुत अनुशासन से यहाँ काफी देर से बैठे हुए हैं, कल से बहुत उत्साहित है, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। जो पहले शिक्षा व्यवस्था थी हमारे यहाँ, जो ईयरली सिस्टम चल रहा था, उसमें पीजी के बच्चों के लिए ये जो प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन का पेपर है ये वैकल्पिक हुआ करता था। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई उसके हिसाब से जब सिलेबस चेंज हुआ तो पीजी के बच्चों के लिए ये डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट का जो पेपर है उसको कंपल्सरी कर दिया गया। तो प्रोजेक्ट कैसे बनता है, उसको बनाने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हालांकि हम लोग अपने बच्चों को विद्यार्थियों को बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी जो रिसर्च मेथडोलॉजी से सीधी तरीके से जुड़ी हुई थी, इसलिए मेरे मन में ये भाव आया कि मैं किसी बहुत अच्छे वक्ता से, किसी बहुत अच्छे विषय विशेषज्ञ से आपको रूबरू कराऊँ और आप उसके विषय में और जानकारी हासिल करें। तो सब में मैम से पढ़ा हुआ है और यही पेपर मैम पढ़ाती थी, जिनकी क्लास में आप ही की तरह ऐसे हम लोग बैठे रहते थे, ये भी क्लास मिस नहीं करते थे। तो मुझे लगा है कि इस कार्यशाला के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े या डिसर्टेशन से जुड़े जो भी अहम मुद्दे हैं उस पर मैडम आज आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपका सहयोग करने के लिए हम लोगों ने मैडम को आमंत्रित किया है। प्रोफेसर रचना सिंह मैडम, मैं स्वयं यहाँ हमारे कॉलेज के प्राध्यापक सुनील सिंह जी, हम सभी लोग आदरणीय मैं। वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और शिक्षा की दृष्टि से बहुत सारी बातें इसमें जोड़ी गई हैं। इस संदर्भ में सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उन पर शोध के कार्य भी किए जाएं, यानी छात्र छात्राओं को न केवल
केवल किताबी शिक्षा दी जाए बल्कि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाए ताकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें समाज में अपने को अभियोजित करने में एडजस्ट करने में कोई समस्या ना हो। इसी को ध्यान में रख करके प्रोजेक्ट असाइनमेंट डिसर्टेशन यानी लघु शोध जिसे कहते हैं इन सब की तरफ सरकार का ध्यान गया है और यह इच्छा है कि बच्चे अपने क्षेत्र में रह करके जिसे कहते हैं कि एक्शन रिसर्च का काम करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के प्रारूप में पाठ्यक्रम में बहुत परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तन का एक क्षेत्र जो है शोध पर विशेष बल देना है। महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के तरफ से शोध प्रविधि रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर एक दिवसीय आज कार्यशाला है और जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष रही प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी विषय विशेषज्ञ के रूप में आई हुई हैं। उनका मार्गदर्शन विषय केंद्रित विद्यार्थियों को शोधार्थियों को और महाविद्यालय के शिक्षकों सबको मिलेगा। इससे किस प्रकार से हम अपने शोध को आगे बढ़ाएं, शोध प्रस्ताव कैसे तैयार करें, शोध परिकल्पना में किन बातों का ध्यान रखा जाए, शोध करने में कौन कौन सी प्रविधियों को हम अपनाएं, अपने रिसर्च फाइंडिंग को किस तरह से हम समाज के लिए उपयोगी बनाएं, इन सारी बातों को ध्यान के कि शोध की सामाजिक उपादेयता क्या है, इन बातों को ध्यान में रख करके शोध प्रस्तावों को तैयार करना। हमारे विद्यार्थी निश्चित तौर पे आज के इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।